ये है एम्पियर का न्यूली लॉन्च मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर, हाई स्पीड मॉडल लिथियम आयन बैटरी के साथ। इसमें कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अब इसमें आपको किलोमीटर की रेंज को बढ़ा दिया है, इसके फीचर्स क्या हैं, माइलेज क्या है, ऑन रोड कीमत कितनी है और गवर्नमेंट की सब्सिडी इस स्कूटर पर आपको कितनी मिलने वाली है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो इसका जो वाइजर है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है, नीचे आपको क्रोम का एलिमेंट दिया है। इसकी हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको LED हेडलाइट मिल जाती है लो बीम और हाई बीम के साथ। इसकी एप्रेन के ऊपर आपको एम्पियर का स्टिकर मिलता है, नंबर प्लेट का ऑप्शन और दोनों साइड में यहाँ पर आपको हेलोजन टाइप के इंडिकेटर मिल जाते हैं और LED DRL मिल जाती हैं डे टाइम रनिंग के लिए। और नीचे आपको क्रोम का एलिमेंट मिल जाता है जो कि इसके लुक को काफ़ी एनहेंस करता है। इसके फ्रंट वाले टायर के साइज की बात करें तो 300/10 का यहाँ पर आपको फ्रंट में ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, स्टील व्हील रिम के साथ और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो अब बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो ये देखने में आपको वही पुराने लुक में मिल जाता है। इसका थोड़े से यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक चेंजेस मिल जाते हैं, जैसे कि इसका जो कलर है और जो ग्राफिक्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाता है इलेक्ट्रिक का, नीचे आपको अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और इसका जो लेग स्पेस एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। और की पॉइंट यहाँ से आप देख सकते हैं, यहीं से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिमोट की मिल जाती है, इसमें आपको अलार्म का भी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक कैरी हुक मिल जाता है और इसके नीचे की साइड में देखें तो यहाँ पर आपको एक USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, यहाँ से आप अपने मोबाइल को डेटा केबल लगाकर चार्ज भी कर सकते हैं। और इसके सीट के नीचे की साइड में आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए स्लॉट दिया गया है और इसके दोनों साइड में आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं एल्यूमिनियम के। और पैनल के दोनों साइड में आपको मैग्नस ईएक्स का 3D में लोगो मिल जाता है और इसमें आपको लेडीज पिलियन के लिए एक कैरी हुक और साइड हुक भी मिल जाता है सामान लटकाने के लिए और पकड़ने के लिए। इसकी जो सीट क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मटेरियल की दी गई है और इसका जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अंदर की साइड में आपको एक LED की बूट लाइट मिल जाती है और इसमें आपको टूल किट, फर्स्ट एड किट और ओनर मैनुअल किट मिल जाती है, एक चार्जर भी मिलता है। और नीचे की साइड में देखें तो यहाँ पर आपको एक लिथियम आयन की एम्पियर वाई ग्रिप्स की यहाँ पर आपको एक बड़ी सी बैटरी मिल जाती है जिसको आप आसानी से निकाल कर अपने घर पर ले जाकर भी चार्ज कर सकते हैं। इसकी जो बैटरी की जो पावर है वो आपको 60 वोल्ट की मिलती है जो कि 38 AH की है और इसको आसानी से निकाल कर आप घर पर भी चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग का जो टाइम है वो 4 से 4.5 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। और दोस्तों इसके बैक साइड की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको एक कैरियर टाइप का एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है सिल्वर फिनिशिंग के साथ में। इसकी जो टेल लैंप है वो आपको हेलोजन में मिलती है, इंडिकेटर भी आपको हेलोजन के मिल जाते हैं, नीचे आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन और रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और दूसरी साइड में चलते हैं तो यहाँ भी आपको मैग्नस EX का लोगो मिल जाता है, जैसा कि इसमें आपको एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा पिकअप मिल जाता है और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट और साइड स्टैंड और मैन स्टैंड मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको लेडीज पिलियन के लिए एक एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाता है जो आपको होंडा एक्टिवा वगैरह इस टाइप के स्कूटर में मिलता है। यहाँ से आप इसके साइड पैनल को देख सकते हैं। रियर में भी आपको 300/10 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है और इसमें आपको जो है कॉइल स्प्रिंग टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। और इसकी मोटर की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो मोटर है वो इसकी रियर व्हील के अंदर की साइड में अटैच की गई है, जैसा कि यहाँ से आप इसको दोनों साइड से देख सकते हैं। इसमें आपको 1250 वाट की DC ब्रशलेस वाटरप्रूफ मोटर मिल जाती है जो कि पानी में अगर ये चली जाती है तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। इसका जो मीटर कंसोल है वो आपको डिजिटल टाइप में मिल जाता है, ऊपर आपको मैग्नस और एम्पियर की वेजिंग मिल जाती है, हेडलाइट इंडिकेशन, रेडी की यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल जाती है, जैसा कि अगर आप इसके स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पर आपको बैटरी की रीडिंग, बैटरी के बोल्ट की रीडिंग, किलोमीटर पर आर की स्पीड और स्पीड मोड मिल जाते हैं इसमें। और साइड मिरर कुछ इस टाइप से डिजाइन किए गए हैं और इसके हैंडल के दूसरी साइड में देखें तो यहाँ पर आपको लीवर का लॉक, लो बीम हाई बीम स्विच और हॉर्न का स्विच मिल जाता है, नीचे आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है। दूसरी साइड में यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक का लीवर, एक्सीलेटर और यहाँ पर आपको स्पीड मोड मिल जाते हैं, लो स्पीड और हाई स्पीड मोड, हेडलाइट स्विच और यहाँ पर आपको रेडी और सेल्फ का स्विच मिल जाता है। तो अब मैं आपको इसकी स्पीड को दोनों मोड में सिलेक्ट करके स्पीड को चेक करा देता हूँ। तो मैंने इसको जो है फर्स्ट मोड में, लो मोड में इसकी जो स्पीड है वो सिलेक्ट कर रखी है और यहाँ पर आपको 32 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाती है लो मोड में। अगर आप इसको हाई मोड में चलाते हैं सिंगल सवारी पर तो इसमें आपको 58 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिल जाती है।
और यहाँ पर आपको मैक्सिमम 60 की मिल जाती है अगर आप इसको सही से चलाते हैं दोस्तों तो। और यहाँ से आप इसके व्हील को देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ दोस्तों इसके पावर और परफॉर्मेंस की, इसमें आपको 60 वोल्ट की लिथियम आयन की बैटरी मिलती है जो कि 4.5 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। और एक बार फुल चार्ज होने के बाद इस स्कूटर में आपको 120 प्लस की रेंज मिल जाती है, 120 प्लस का माइलेज मिल जाता है अगर आप इसको लो मोड में चलाते हैं तो। और चार्जिंग कॉस्ट की बात करें तो फुल चार्ज करने में इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 2 यूनिट की आ जाती है। वारंटी की बात करें तो इसमें आपको मोटर, कन्वर्टर, कंट्रोलर और चार्जर पर 5 साल की वारंटी मिल जाती है 20,000 किलोमीटर के अंडर में। और बैटरी पर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है और आप इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो दोस्तों इस पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से 34,500 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। सब्सिडी को काटने के बाद ओवरऑल इसकी जो ऑन रोड कॉस्ट है वो आपको ऑन रोड पड़ जाता है 97,000 रुपये का, 97,000 रुपये का ऑन रोड ये आपको पड़ जाएगा। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है रुद्र मोटर्स मोहली NS2 हाईवे मथुरा शोरूम की। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मथुरा या आसपास से हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके और भी स्कूटर की जानकारी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।